हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के बारे में। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 100 से अधिक तत्वों कि 100 से अधिक जिनका परमाणु क्रमांक है, उन तत्वों का नामकरण। सबसे पहले इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैज्ञानिक बिना किसी मूलभूत प्रूफ के, बिना किसी जो है आप कह सकते हैं कि आधार के, तत्वों का कोई भी तत्व जो है खोजना शुरू कर दिया और बिना उसके सभी लक्षण, सभी प्रकार के गुणधर्मों का जो है एनालिसिस किए बिना वो जो है किसी भी तत्व को ऐसे बता देते थे कि इसका जो है नाम ये हो। इस प्रकार की बिना किसी जानकारी के तत्वों का नामकरण करने से समस्या को दूर करने के लिए, जैसे कि पहले अमेरिका के वैज्ञानिक और रशियन वैज्ञानिक परमाणु क्रमांक संख्या 104 पर जो है अध्ययन किया और अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है रदरफोर्डियम और रूसी वैज्ञानिक ने कुरसाटोबियम अमेरिकी वैज्ञानिक ने इस तत्व का नाम क्या रखा रदरफोर्डियम और रशियन वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है कुरसाटोबियम रखा। इसी विसंगति को दूर करने के लिए IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, एक अपनी जो है अवधारणा बताई। उन्होंने बताया कि जब तक किसी भी तत्व का की पूर्ण जानकारी या सभी प्रकार के गुणधर्मों की जानकारी ना हो जाए, तब तक उनका नाम 0 से 9 तक संख्याओं के लिए उनके मूलों का प्रयोग करते हुए इनका नामकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि जब तक पूर्ण रूप से किसी तत्व की जानकारी ना हो जाए या उनके गुणधर्म की जानकारी ना हो जाए, तब तक उनका नाम जो है, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, उनके मूलों का प्रयोग किया जाए और जो है उनका नामकरण किया जाए। इन्होंने बताया कि मूलों को उनके अंकों के क्रम में रखा जाए तथा अंत में IUM अनुलग्न जोड़ करके व्युत्पन्न किया जाए। इन्होंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक है उनके अंकों को मूलों के क्रम में रखा जाए और अंत में जो है IUM या EM अनुलग्न जोड़ करके उसका नाम व्युत्पन्न कर दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये जो नाम दिया जाएगा उनके जो है, जो पहले जिसे 1, 3, 2 है, तो इनका पहला अक्षर और इनका पहला अक्षर, इन तीनों के नाम से जो है उनका शॉर्ट नाम पड़ जाएगा। और जब इसकी
जाएगी, तब उनका नाम उस जिस देश में खोजा जाएगा उस देश के स्थान नाम पर, उस स्थान के नाम पर, या किसी विशेष व्यक्ति के स्थान जो है नाम के आधार पर रखा जा सकता है, और वो भी जब वो तब रखा जाएगा जब IUPAC द्वारा जो है सर्टिफाई हो जाएगा। IUPAC जो संगठन है उसके द्वारा सर्टिफाई होने के बाद ही उसका नामकरण किया जाएगा। ये अंक है और इनके मूल जो है ये जो है इनके मूल है, और इनका जो संकेतांक होगा, इनका जो संकेतांक होगा 0 का एन होगा, 1 का यू होगा, इसका बी होगा, इसका टी होगा, स्मॉल टी क्यू पी एच एस ओ सी। तो इस प्रकार से इन्हीं मूलों का प्रयोग करके जो है नामकरण किया जाता है। अब जैसे परमाणु क्रमांक संख्या 103 के तत्वों का इस मूलों के आधार पर यदि किया जाएगा, तो इन्होंने बताया कि पहले अंकों के जो है मूलों को रखा जाएगा, तो उनका क्या है अन है, और इसका क्या है नील है, और तीन का है ट्राई ट्रिया आई और यूएम जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जो है इन मूलों का नाम फिर IUM जोड़ करके इसका नाम उत्पन्न किया जाएगा, और इसका अगर संकेतांक हम देखें तो UNT जो है इसका संकेतांक होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं एक परमाणु क्रमांक संख्या 102, तो पहले क्या होगा अन, फिर नील, फिर क्या हो जाएगा पाई है, तो BIUN यहाँ पर ये इसका जो संकेतांक होगा UNB हो गया। परमाणु क्रमांक संख्या 111 का नामकरण करें तो हो गया अन 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 IUM, और इसका जो संकेतांक होगा वो UUU होगा। इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक संख्या 113 का कर ले अगर, या 108 का, तो क्या हो जाएगा अन नील और TIUM, तो इसका जो संकेतांक हो जाएगा यू एन और ओ, इसका नाम इस प्रकार से। तो 100 से अधिक तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं उन्हीं के आधार पर जो है नाम रखा जाता है, और बाद में जब जो है ये डिसाइड हो जाएगा, उनके सभी प्रकार के गुणधर्म डिसाइड हो जाएंगे, तो जो है उनका नाम उस प्लेस के नाम पर जहाँ की वो खोजा गया है, या किसी विशेष स्थान के नाम पर, या किसी विशेष महापुरुष के नाम पर जो है उसका नामकरण किया जाएगा। आवर्त सारणी में धातु अधातु तथा उपधातु आवर्त सारणी में धातु अधातु तथा उपधातु। आवर्त सारणी में जो धातुएं हैं लगभग 78% धातुएं पाई जाती हैं, अभी तक खोजे गए सभी तत्वों में से लगभग 78% क्या है धातुएं। धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखा गया है, धातुओं को आवर्त सारणी में जो है बाईं तरफ रखा गया है। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था
में पाई जाती है, में पाई जाती है, जिसमें मरकरी जो होता है, मरकरी इसका अपवाद है, मरकरी इसका अपवाद है, और गैलियम और सीजियम, गैलियम गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जो ये मरकरी तो मान लीजिए ये जो है ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, और जो गैलियम और सीजियम है इसके गलनांक बहुत कम होते हैं। धातुएं, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ये आघात वर्धनीय तन्य तथा उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय तन्य तथा ये उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अधातुएं आवर्त सारणी में दाई तरफ रखी गई हैं, अधातुएं जो है वो आवर्त सारणी में बाई तरफ रखी गई हैं। ये सामान्य ताप पर ठोस अथवा गैस अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है। ये जो है जो अधातुएं होती हैं ये सामान्य तौर पर ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। बोरान और कार्बन जो हैं, बोरान और कार्बन इसके अपवाद हैं, बोरान और कार्बन इसके अपवाद हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। जो धातुएं होती हैं उनको आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखा गया है। ये सामान्य तो ताप पर जो है ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं, कार्बन और बोरान इसका अपवाद है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्वों का अधात्विक गुण होता है वो उसमें वृद्धि होती है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। अब हम देखते हैं उपधातुएं क्या है। उपधातु आवर्त सारणी में अधातुओं और धातुओं के बीच में उपधातुओं को एक तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहां पर जर्मेनियम
सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंटीमनी तथा टेलरियम, ये अधातुएं हैं जो कि इस तिरछी रेखा के पास में जो है पाई जाती है। इन तत्वों में जो है धातु तथा अधातुओं के अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी में जो है धातु, अधातु और उपधातुओं की स्थिति यह है कि जो है धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ और जो है अधातुएं जो है आवर्त सारणी में दाईं तरफ, और जो उपधातुएं हैं वो दोनों के बीच में तिरछी रेखाओं में, मतलब कि तिरछी रेखा के माध्यम से जो है अगर हम खींचे इनके बीच में तो वो हमें अधातुएं मिलेंगी और उपधातुएं मिलेंगी जो कि जो है जिनमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता में आवर्तिता। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता, यदि हम किसी भी जो है रासायनिक आवर्त सारणी में यदि हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त में हम अगर बाएं से दाएं जाते हैं और जो है वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनके जो है रासायनिक गुणों में या भौतिक गुणों में जो है एक प्रारूप दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं तत्वों की गुणधर्मों में आवर्तिता कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक गुण, जैसे हम किसी भी आवर्त में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं और अप टू बॉटम जाएं, तो इनके गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और जो है और कई प्रकार के परमाणविकता, धात्विकता आदि जो है गुणों में परिवर्तन जो है हमें प्राप्त होता रहेगा। अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों की बात करें, अगर सॉरी हम देखते हैं जो है इनकी एटॉमिक रेडियाई, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किस प्रकार जो है परिवर्तित होती है, परमाणु त्रिज्या। अगर सामान्य रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक से उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र की दूरी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो होगा वह सबसे बाह्यतम कोश की दूरी ही क्या कहलाती है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो परमाणुक अणुओं के, किसी भी अणु में समान परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, हमारा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। जैसे यदि हम किन्हीं Cl2Cl अणु को देखते हैं, Cl2 जो अणु होता है, इनमें दो Cl परमाणु हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी कितना है, 1.98 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इनके बीच की आधा भाग अगर कर लें तो 1.98/2 कर देंगे तो जो आएगा लगभग 999 जो आता है, 0.99 आता है, यही जो है इस परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी, परमाणु की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो परमाणु त्रिज्या हम समझ चुके हैं कि जो है समान प्रकार के परमाणुओं के बीच की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग ही क्या कहलाता है, हमारा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो है किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष की दूरी ही क्या कहलाती है, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब हम अगर देखें कि आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से जो है हमें मिलती है, आवर्त में
दाएं से बाएं जाने का, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है आवेश बढ़ता है। इसी भी अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। मान लीजिए ये हमारा एक नाभिक है और इसके बाह्यतम कोश में हम जो है दो इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे हम किसी भी जो है आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। अब यह क्या होता है कि इसकी साइज तो बढ़ नहीं रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की दूरी समान रूप से और यहाँ पर प्रोटॉन हमारे ऑलरेडी उपस्थित है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ बढ़ती है वैसे वैसे जो नाभिक होता है वो जो है इनको अपनी तरफ खींचता रहता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण जो परमाणु का साइज है वो छोटा होता जाता है। यही कारण है कि जब यह जो है हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें जो है परमाणु त्रिज्या में कमी प्राप्त होती है। अब अगर हम आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। जब हम परमाणु जो है आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो मुख्य क्वांटम संख्या यन जो होती है उसका मान बढ़ता है, और जब हम किसी भी परमाणु में कोशों की संख्या बढ़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो सबसे ज्यादा पहली कक्षा पर, फिर दूसरी कक्षा पर, फिर तीसरी कक्षा पर होता है, और इसी के कारण जो है यहां पर आवरण प्रभाव प्रदर्शित हो जाता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाता है और इसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है जो है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।